देश के राष्ट्रीय मिठाई के नाम से प्रसिद्ध जलेबी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और उसमें भी अगर लकड़ी के चूल्हे पर बना जलेबी मिल जाए तो स्वाद में और चार चांद लग जाती है। ऐसे ही लखीसराय ज़िले के पचना रोड में स्थित एक जलेबी के दुकान के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, और उनके जो दुकानदार हैं और कुछ ग्राहकों से बात करवाऊंगा जो काफ़ी शानदार जलेबी बनाते हैं और चूल्हे पर जलेबी बनाकर वो तैयार करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भरत। भरत जी, बड़ा स्वादिष्ट जलेबी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जलेबी? बस हाथों से। हाथों से बनाते हैं। हाथों से क्या 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 देते हैं? कुछ भी नहीं, मैदा वगैरह, ये इलायची डालते हैं चाशनी के अंदर। तो बाजार के तुलना में आपकी जलेबी को ज्यादा पसंद किया जाता है, क्यों, ऐसा क्या कारण है? ये ऐसा कोई कुछ कारण नहीं है, मैदा वगैरह प्यार से बनाते हैं तो बाहर। हाँ, प्यार से बनाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक प्रत्येक दिन रहते हैं? 11 बजे से शाम में 9 बजे तक। 11 बजे से 9 बजे तक। कितना केजी जलेबी प्रत्येक दिन बेच लेते हैं? 15-20 केजी। 20 केजी बेच लेते हैं। हाँ। कैसे केजी है आपका जलेबी? 160 रुपये। 160 रुपये केजी। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राम खिलावन पासवान। राम खिलावन पासवान जी, कैसा लग रहा है जिलेबी? बहुत अच्छा लग रहा है जिलेबी। हाँ, हाँ। बढ़िया लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। क्या दुकान से दूसरा क्वालिटी है लगता है, छोटा छोटा जिलेबी? हाँ, दुकान से दूसरा क्वालिटी, छोटा छोटा जिलेबी। हाँ। हाँ, बहुत। खाने में कैसा लगता है? टेस्ट लगता है। मुरमुर टाइप का भी करता है? मुरमुर टाइप का लगता है। कैसा लग रहा है भैया? बढ़िया बढ़िया है, स्वाद बढ़िया है। अंतर क्या है दुकान और ये जो जलेबी बेच रहे हैं उसका? इसका सोना लग रहा है, सोनापन। सोनापन। हाँ, साइज भी थोड़ा छोटा है। साइज में है जो कि अच्छा है। हाँ, साइज भी बढ़िया। हाँ।